आज हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस की एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम के बारे में जो शायद से सॉल्व हो गई है क्लाउडवेज के थ्रू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम के बारे में। सो वर्डप्रेस पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहता है। वो रिस्क ये रहता है कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स एंड थीम्स का यूज़ करते हो, जिसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जो वेबसाइट है उसको हैक किया जा सकता है। अब ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये हुआ भी है। जिन्होंने मेरे डी न्यूज़ के एपिसोड्स देखे होंगे पहले के, उनको पता होगा कि कितने यहाँ पे हैक्स होते रहते हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स में। तो जैसे रिसेंटली अभी सितंबर 14, 2022 में यहाँ पे 280,000 वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे अटैक हुए थे, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर प्लगइन का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। वैसे ही उससे पहले यहाँ पे 1.3 मिलियन वेबसाइट्स एक्सपोज हो गई थी, दे वर वल्नरेबल टू अटैक्स। कुछ यहाँ पे 9 ऐसे वर्डप्रेस प्लगइन्स थे, जैसे कि ये कुछ यहाँ पे प्लगइन्स थे जिसमें वल्नरेबिलिटी थी। सो इसकी वजह से हमेशा यहाँ पर थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रिस्क बना रहता है वर्डप्रेस के ऊपर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि प्लगइन तो चलो यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं, उसके पैचेस भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहली बात, हमें एज अ यूज़र पता नहीं चलता कि कौन से प्लगइन में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, कब उसका पैच आया और किस में यहाँ पे वल्नरेबिलिटी थी। बहुत सारे 99% ऑफ द यूज़र्स को यहाँ पे पता ही नहीं रहता है। सेकेंड, इसको सॉल्व किया जा सकता है ऑटो अपडेट्स के थ्रू, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। पहले बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि प्लगइन्स हमने अपडेट कर दिए लेकिन हमारी साइट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। सेकेंड, कभी कभार ऐसा होता है कि अपडेट करने के बाद परफॉर्मेंस इश्यूज आने लग गए, या फिर दो प्लगइन्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लग गए। अब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, एंड उसकी वजह से हमारा यूज़र एक्सपीरियंस वेबसाइट का जो है वो काफ़ी टाइम तक ख़राब हो सकता है। प्लस ऑटो अपडेट्स कब हो रहे हैं, कब वो वेबसाइट डाउन जा रही है, उस पर भी कभी कभार हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। तो जो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रिसेंटली क्लाउडवेज के थ्रू आया है। क्लाउडवेज एक वेब होस्टिंग कंपनी है जिसको यहाँ पर मैंने काफ़ी रिकमेंड किया है, उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है मेरे पास, और एक स्पेशल ऑफर भी है, उसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या आया है क्लाउडवेज की तरफ से। सो क्लाउडवेज यहाँ पे लेकर के आया है सेफ अपडेट्स को। अब ये क्या करता है, इसको इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे, इस इमेज के थ्रू। तो सबसे पहले ये पहला स्टेप रहता है बैकअप लेना। आपकी वेबसाइट का यहाँ पर एक बैकअप लिया जाता है, उस बैकअप से यहाँ पर एक स्टेजिंग वेबसाइट बनाई जाती है। स्टेजिंग वेबसाइट मींस टेस्ट वेबसाइट को बनाया जाता है। आप ही के सर्वर के ऊपर बैकग्राउंड में एक दूसरी वेबसाइट बनाई जाती है जो कि लाइव नहीं होती है, बैकग्राउंड में रहती है। वो मतलब सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए एक दूसरी कॉपी बनाई जाती है। तो वो जो सेकेंड कॉपी जो बनेगी उसको यहाँ पर स्टेजिंग वेबसाइट बोलेंगे। उस सेकेंड कॉपी के ऊपर यहाँ पर अपडेट्स किए जाते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट्स। आपके प्लगइन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे इस स्टेप में। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर टेस्ट रन करे जाएंगे। कैसे टेस्ट रन करे जाएंगे? विजुअल टेस्ट उसके ऊपर रन करे जाएंगे। पहले देखा जाएगा कि डिज़ाइन में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए, जो पहले वाले डिज़ाइन थे जिसका बैकअप लिया गया था, जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है, और जो यहाँ पे टेस्ट वेबसाइट बनाई गई है जिस पे अपडेट्स हुए हैं, क्या इसमें और ओरिजिनल में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तो फिर ये जाएगा अगले स्टेप पे, देखेगा कि परफॉर्मेंस चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले जितनी स्पीड मिल रही थी अभी उतनी स्पीड मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या कोई प्लगइन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है एक दूसरे को। उसके बाद अगर ये सारे चेक्स यहाँ पर पास हो गए, उसके बाद यहाँ पर इसको अपडेट किया जाएगा। मीन्स अगर ये सारे टेस्ट यहाँ पे पास हो गए, उसके बाद जो आपकी टेस्ट वेबसाइट थी उसको यहाँ पे पुश कर दिया जाएगा आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी लाइव वेबसाइट है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, कोई भी डिज़ाइन चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी परफॉर्मेंस इश्यूज़ नहीं होंगे आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर, एंड जो डाउन टाइम है वो भी कम से कम रहेगा, क्योंकि अपडेट तो यहाँ पे टेस्टिंग वेबसाइट पे हुए थे। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फीचर के लिए। अगर आपके एक से लेके 5 एप्लीकेशंस हैं तो दैट विल बी $3 पर मंथ फॉर 1 एप्लीकेशन, एंड 6 प्लस एप्लीकेशन है तो फिर $2 पर मंथ पे हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर मैं आपको डेमो देके बताऊँ, मैं डिस्काउंट कूपन कोड के बारे में पहले बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके लोगे go.kripeshadvani.com/cloudways और कूपन कोड एंटर करोगे कृपेश, तो यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिलेगा 3 महीने के लिए। साथ ही मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्लाउडवेज का, जहाँ पर मैंने बताया कि क्लाउडवेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटअप कर सकते हो आप लोग अपनी वेबसाइट। और मेरा एक और कोर्स भी है लाइटनिंग ब्लॉक्स के नाम से, जहाँ पे मैंने बताया कि एक अच्छी वेबसाइट फ्री थीम्स फ्री प्लगइन का यूज़ करके आप लोग कैसे बना सकते हो, जिसकी स्पीड भी हो, सिक्योरिटी भी हो और लुक भी उसका मॉडर्न हो।
ये सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे। तो अब हम लोग इस फीचर को एक्टिवली यूज़ करके देखते हैं क्लाउडवेज के अंदर। तो ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा एप्लीकेशन पैनल है, एक एस्ट्रा डेमो के नाम से एक वेबसाइट बनाई थी। अब हम लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर बॉटम में सेव्ड अपडेट्स के नाम से। ये रहा, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, विजुअल टेस्टिंग रहेगी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग रहेगी, एंड $3 पर मंथ मेरे कटेंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। लेट्स एक्टिवेट। एक्टिवेट हो चुका है, इसके बाद ये सारे यहाँ पर मेरे पास अपडेट्स आ गए हैं कि थीम मेरी आउटडेटेड है और यहाँ पे प्लगइन्स है जो कुछ आउटडेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ, थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे प्लगइन सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी आउटडेटेड हैं, एंड लेट्स अपडेट देम। ठीक है, अपडेट इन प्रोग्रेस। 5 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो मेरी वेबसाइट है वो लाइव ही रहेगी, वो 5 से 15 मिनट के लिए डाउन नहीं जाएगी। पहले वो एक स्टेजिंग वेबसाइट बनाएगा एंड देन उसको फिर सिंक करेगा, अपडेट करेगा, वैलिडेट करेगा। वैलिडेट मींस वो सारे टेस्टिंग वगैरह होंगे, टेस्टिंग होने के बाद उसको यहाँ पे प्रोडक्शन साइट पे पुश कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास शेड्यूल के भी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे शेड्यूल को इनेबल कर सकता हूँ कि कब मुझे इसको शेड्यूल करना है कि हर हफ्ते ये देखे, हर हफ्ते सैटरडे को इसको यहाँ पे देखा जाए या फिर फ्राइडे को, कितने बजे। मैं यहाँ पे टाइम सेट कर सकता हूँ यूटीसी टाइम जोन में। ईमेल आ जाना चाहिए मुझे प्री नोटिफिकेशन, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं उसको ऑन कर सकता हूँ, ऑफ़ कर सकता हूँ। फिलहाल ये मेरी अपडेट चल रही है इसलिए यहाँ पर वो स्क्रीन हाइड हो गई है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीचर बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक बिगनर्स को तो स्टार्टिंग में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्राफिक आता है, उससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो फिर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन दैट। सेकेंड, अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो यू कैन अपसेल दिस टू योर क्लाइंट्स, तब आपको ये वाली सर्विस यूज़ करनी चाहिए। इट कैन सेव योर टाइम एंड योर वेबसाइट एज वेल। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।